नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसका कि लिवर से रिलेटेड लगभग हर बीमारी में बहुत ख़ास तौर से उपयोग किया जाता है, जो कि लिवर के लिए एक टॉनिक का काम करती है। और चाहे वो लिवर में जॉन्डिस हो रहा हो, यानी कि पीलिया डेवलप हो रहा हो, लीवर सही से काम ना कर रहा हो, यदि फैटी लिवर डेवलप हो रहा हो, चाहे वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो, चाहे वो अल्कोहलिक फैटी लिवर हो, चाहे आपको पित्ताशय की पथरी बन रही हो, यानी कि पित्त की थैली में पथरी बन रही हो, गॉल ब्लैडर स्टोन जिसे कहा जाता है, और गॉल ब्लैडर स्टोन के कारण दर्द हो रहा हो, इन जैसी सभी समस्याओं में, और ये जितने भी सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, जितने भी नाम बताए हैं, इन सभी बीमारियों में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों चेलिडोनियम मेजस। ये मेरे पास चेलिडोनियम मेजस का मदर टिंचर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। होम्योपैथी में मदर टिंचर ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, एक टॉनिक के रूप में लिवर के लिए, और इसकी 30 पोटेंसी भी यूज़ की जाती है। और जो 30 पोटेंसी होती है, उसके जो डोजेस होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जो मदर टिंचर है वो तो लगभग हर व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसको कि लिवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसके सिम्टम्स से कि हम किन किन लक्षणों में, किन लक्षणों के आधार पर ये दवा जो है वो दे सकते हैं। सबसे पहले यदि हम इसके माइंड की बात करते हैं, तो चेलिडोनियम मेजस का जो पेशेंट होता है ये बड़ा ही डिक्टेटोरियल पेशेंट होता है, डोमिनेंट किस्म का पेशेंट होता है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हो तो उसमें मैंने एक मेडिसिन लाइकोपोडियम के बारे में बताया था कि वो जो पेशेंट होता है बड़ा ही डिक्टेटोरियल किस्म का पेशेंट होता है, और उसमें मैंने डिक्टेटोरियल वर्ड का जो मीनिंग है वो भी बताया था कि ऐसा व्यक्ति ये चाहता है कि वो राजा बन के रहे और बाकी सब उसकी प्रजा रहे, यानी कि वो जो चाहे, वो जो कह दे, उसने जैसा सोच लिया वैसा काम लोगों को करना है। डोमिनेंट नेचर होता है। जैसे बहुत सारी औरतें होती हैं, वो ये सोचती हैं कि मैं जैसा चाहूँ मेरा घर वैसा चलना चाहिए, ये डोमिनेंट नेचर होता है। ऑफिस में बॉस ये सोचता है कि उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे उसके अनुसार काम करें, तो ये डोमिनेंट नेचर होता है। चेलिडोनियम का जो पेशेंट होता है मेंटली डिक्टेटोरियल और डोमिनेंट नेचर का ही होता है। उसे सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए, उसके द्वारा कहा हुआ एक एक शब्द उसे फॉलो होना चाहिए, ये उसका मेन जो है मेंटल स्टेटस होता है। यदि हम इसके स्टमक के सिम्टम की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लिवर से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे उस पेशेंट को भूख सही से नहीं लग रही हो, चाहे वो लिवर उसका कमज़ोर हो गया हो, डाइजेशन सही उसका नहीं हो पा रहा हो, मुंह में कड़वा कड़वा सा टेस्ट हो या फिर स्वीट मेटालिक टेस्ट हो जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं हो, जीभ पे जो रंग है वो ब्राउनिश येलोइश कलर जैसा डेवलप हो रहा हो, जॉन्डिस बॉडी में डेवलप हो रहा हो, यानी कि स्किन का जो कलर है वो पीला पड़ने लगे, स्क्लेरा जो आँखों का ये जो सफ़ेद हिस्सा होता है उसका कलर पीला पड़ने लगे, तब इन सारी कंडीशंस में पेशेंट को चेलिडोनियम का मदर टिंचर बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। यदि हम इसके हेड के सिम्टम की बात करते हैं दोस्तों, तो इसको सिरदर्द की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, और ख़ास तौर से वो जो सिरदर्द होता है वो गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ एसोसिएटेड होता है, लिवर की प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएटेड होता है, और इंडाइजेशन के साथ एसोसिएटेड होता है। यानी कि जिन लोगों को मान लीजिए पित्त की थैली की पथरी है या पित्ताशय की पथरी है, और उनको साथ में इंडाइजेशन भी हो रहा है उसके कारण, और उस इंडाइजेशन के कारण उनको सिरदर्द हो रहा है, और वो जो सिरदर्द है वो खास तौर से राइट साइडेड है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ दर्द हो रहा है, और ये जो दर्द है ये पूरा ऑक्सीपुट तक, यानी कि पीछे भी जा रहा है, नेप ऑफ द नेक पे भी जा रहा है, गर्दन के पिछले हिस्से में भी जा रहा है, तब उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का उपयोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आँखों की यदि हम बात करते हैं, तो इसको न्यूरालजिया की शिकायत होती है, और ख़ास तौर से राइट साइड की जो आई होती है, यानी कि दाहिनी तरफ की जो आँख होती है उसमें न्यूरालजिया होता है, और ये जो दर्द होता है ये भी बड़ा सीवियर टाइप का पेन होता है, और सिरदर्द के साथ ये जो दर्द है ये एसोसिएटेड होता है, और ये जो सिरदर्द हैं गॉल ब्लैडर स्टोन है, और जो लिवर है, लिवर से रिलेटेड बीमारियां हैं, आप देख रहे होंगे कि जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं, खास तौर से राइट साइडेड के लिए बता रहा हूं, राइट साइड के ऑफ द बॉडी के लिए बता रहा हूं, तो ऐसा माना जाता है कि राइट साइड में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, आँख हो गई, हमारा राइट साइड का हेड हो गया, ये सभी इनमें यदि कोई सिम्टम है और उसका रिलेशन लिवर से है या गॉल ब्लैडर से है और आपस में इंडाइजेशन से है या कुछ भी दर्द हो रहा है,
उस कंडीशन में यदि पेशेंट के सिम्टम्स चैलिडोनियम से मैच करते हैं तो उसको चैलिडोनियम का मदर टिंचर बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। यदि हम इसके स्टूल की बात करते हैं, यानी कि हम इसके मल की बात करते हैं, लैट्रिन की बात करते हैं, तो ये देखा जाता है चूंकि यहाँ पे इंडाइजेशन बहुत ज़्यादा है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ में ही लिवर चूंकि वहाँ पे इन्वॉल्व है, लिवर पूरी तरह से काम नहीं सही से कर रहा है, फैटी लिवर भी हो सकता है या जॉन्डिस भी हो सकता है, किसी भी कारण से उसका जो स्टूल है बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने के कारण डार्क येलोइश क्ले कलर्ड डार्क ब्राउन कलर का उसका स्टूल होता है। कुछ समय पहले मैंने एक सिम्टम बताया था कॉन्स्टिपेशन के मेरे वीडियो में कि शीप डंग के जैसा स्टूल होता है, यानी कि जो भेड़ होती है भेड़ की लैट्रिन के जैसा उसका स्टूल होता है, ब्राउन डार्क ब्राउन कलर का गोल गोल बॉल्स के रूप में। वो सिम्टम भी चैलिडोनियम मेजस में पाया जाता है और ये जो सिम्टम है ये जॉन्डिस के साथ खास तौर से एसोसिएटेड होता है, क्योंकि वहाँ पे जॉन्डिस में उसका लिवर पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, इसके कारण उसको सीवियर इंडाइजेशन की और सीवियर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्स्टिपेशन है ये दूसरी तरह का भी हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि उस व्यक्ति का जो स्टूल है वो भी सॉफ्ट हो, लेकिन उस सॉफ्ट स्टूल को पास करने के लिए भी उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है और ये भी कब्ज का ही एक प्रकार होता है। तो ये जो इसका खास सिम्टम है ये भी चैलिडोनियम मेजस में पाया जाता है। अब मैं चैलिडोनियम मेजस के सबसे प्रमुख सिम्टम के बारे में आपको बताता हूं और ये जो सिम्टम है दोस्तों इसके बेसिस पे ही इसकी डायग्नोसिस बना ली जाती है। और ये सिम्टम है कि किसी भी पेशेंट को लिवर के ऊपर के इस हिस्से में, यहाँ पे जहाँ पे हमारी पसलियाँ होती हैं, जहाँ पे आप इस समय मेरा हाथ देख रहे हैं, इस हिस्से से लेके और हमारे कंधे के इस हिस्से तक, यहाँ पीछे तक, ये जो स्कैपुला के नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस हिस्से तक यदि दर्द रेडिएट हो रहा है, पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, राइट साइड की बात कर रहा हूँ, तब उस कंडीशन में चैलिडोनियम मेजस लगभग एक स्पेसिफिक मेडिसिन है। हालांकि यहाँ पे लाइकोपोडियम भी राइट साइडेड मेडिसिन है और दूसरा जो इसका सिम्टम है वो ये है कि राइट साइड का जो दर्द है वो रेफर होके लेफ्ट साइड पे भी आ सकता है। तो अकेला ये ना सोचें कि लेफ्ट में दर्द हो रहा है तो चैलिडोनियम मेजस नहीं होगी, पेशेंट से कंफर्म करना ज़रूरी है क्या दर्द की ओरिजिन राइट साइड से हुई थी। यदि ये ऐसा है और ये जो दर्द है ये पीछे स्कैपुला के नीचे तक जा रहा है, कंधे की हड्डी के नीचे तक जा रहा है, यहाँ से दर्द शुरू होके लिवर के इस हिस्से से शुरू होके गॉल ब्लैडर के यहाँ से शुरू होके, तो फिर उस कंडीशन में चैलिडोनियम मेजस का उपयोग 100% कर लेना चाहिए पेशेंट के सिम्टम्स के अनुसार और उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना के कि कहीं लाइकोपोडियम के सिम्टम्स तो उसमें नहीं है, तो वहाँ पे ये देख के और हम पेशेंट को चैलिडोनियम मेजस का मदर टिंचर दे सकते हैं। अब यदि मैं इसके डोज की बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको एज ए लिवर टॉनिक के रूप में बता देता हूँ और ज़्यादातर इसका उपयोग मतलब इन्हीं डोज को आप बीमारियों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो लिवर टॉनिक के लिए जैसा कि मैंने कार्डुअस मेराइनस में बताया था कि 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिला के पेशेंट को देना शुरू कर देना चाहिए कंटिन्यू कुछ दिनों तक, मतलब 3 महीने 6 महीने ज़रूर देना चाहिए। इसके साथ ही यदि किसी को बीमारी है, मान लीजिए जॉन्डिस किसी को है या लिवर में फैटी लिवर है या फिर हेपेटोमेगैली है, तब उस कंडीशन में कार्डुअस मेराइनस का मदर टिंचर भी यूज़ करना है 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिला के, और 10 मिनट के अंतर से चैलिडोनियम मेजस का भी मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं आधे कप या 1 कप पानी में मिला के 10-10 बूंद दिन में 3 बार। इस तरह से इन दोनों मेडिसिंस का यूज़ करें लिवर से रिलेटेड लगभग सभी बीमारियों के लिए, ये एक बहुत ही खास कॉम्बिनेशन है, दोनों को मिला के भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं दोनों को मिला के यूज़ करना प्रेफर नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग दोनों मेडिसिंस के बीच में 10-10 मिनट के अंतर के साथ उनको लेना शुरू करें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, आगे की बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे अपने नए वीडियोस में और उनसे रिलेटेड कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में भी मैं अपने वीडियोस में आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों ये चैलिडोनियम मेजस का मदर टिंचर है, आप इसकी फोटो देख सकते हैं, हमें इसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पीना चाहिए। पानी आप कैसा भी ले सकते हैं, गर्म हो सकता है, ठंडा हो सकता है, गुनगुना हो सकता है और उसकी मात्रा भी आप अपने अनुसार निर्धारित कर सकते हैं, आधे कप 1 कप 1 गिलास जितना पानी आप चाहें उतना पानी आप इसको अपने
सुविधा के अनुसार ले सकते हैं और उसमें इस मदर टिंचर को मिलाकर पी सकते हैं। ये जो दवा है ये किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको मिलेगी या ऑनलाइन भी आप इसे मंगा सकते हैं।